चॉकलेट फ्रॉस्टिंग में भी आप मुख्तलिफ डार्क चॉकलेट है, लाइट चॉकलेट है, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग भी अलग बनती है। एक तो हम चॉकलेट प्योर चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसके लिए चॉकलेट भी या शुगर चॉकलेट सिरप जो होता है इसमें आइसिंग शुगर और इस तरीके से मिक्स करते हैं, ये फ्रॉस्टिंग भी इससे बन जाती है। हेलो, मैं नेहा, पहचाना? सरफराज की कुलीग। सरफराज अभी ऑफिस से नहीं। पता है मुझे, वो गाड़ी पार्क करें बाहर। सुबिया, ये नेहा है। मैं अपना तारुफ पहले करवा चुकी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर क्या सारी बातें हम यहीं करेंगे या? माफी चाहती हूँ, आइए अंदर आइए, आइए। गुड मॉर्निंग। आज आप दफ्तर से थोड़ा जल्दी आ जाएंगे? खैर भाई, वो घर के 2-3 काम हैं, इतने महीनों से टले हुए हैं। आज काम का लोड बहुत ज्यादा है, 2-3 दिन में कर दूंगा। इतने हफ्तों से मैं आपको कह रही हूँ और आप टाले पे टाले जा रहे हैं। देखो सोफिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह जब मैंने ऑफिस जाना हो ना, तो प्लीज ऐसी बातें नहीं किया करो, वरना मेरा दिन बहुत खराब गुजरता है। आहिस्ता आहिस्ता, एक सांस में नहीं रिजवान, रुक रुक कर पियो। आपसे मैं जब भी घर की बात करती हूँ ना, तो आपका तो मूड खराब हो जाता है। आखिर आपके लिए अच्छा बुरा है क्या? सुबह का आगाज खुशी खुशी करना। हाँ, और मैं आपकी खुशियाँ खराब करती हूँ, है ना? देखा, तुमने सबूत भी दे दिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह का शुक्र करें कि आपको मेरी जैसी बीवी मिली है। आपको दीन से तो करीब रखती हूँ ना। जी हाँ, और दुनिया से। चलो अरे, अब स्कूल जाना है अभी। सोफिया, सोफिया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ अभी करते हैं, थोड़ी देर में मेरी नमाज कजा हो जाएगी। आपने पढ़ ली? हाँ मैंने पढ़ ली, और अगर तुम 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। कयामत के दिन इन 2 मिनट का सवाल जरूर होगा। सवाल तो तुमसे मेरे पास ना बैठने का भी किया जाएगा। एक तो शरा में भी ना आप मर्द अपनी अहमियत जताने का मौका नहीं छोड़ते कोई भी। अच्छा सोफिया, ये बताओ कि शादी के बाद से मैंने सारे हकूक पूरे किए हैं ना, किसी चीज में कमी तो नहीं आने दी? इस सवाल की वजह, तुम नेहा से मिल चुकी हो ना? आप ही लेकर आए थे उसे घर। मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। क्या, दूसरी शादी? सोफिया, शरा में इसकी इजाजत है। हाँ शरा में इसकी इजाजत है, लेकिन पहली बीवी की इजाजत से, और मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। सोफिया, ये मेरा हक है। एक तो आप मर्दों की हक की तान, ये दूसरी शादी पर ही आकर क्यों टूट जाती है? तो अपने हक की बात करना कोई बुरी बात नहीं है, मेरे हकूक पूरे करना शायद तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने आपके कौन से हकूक पूरे नहीं किए? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने कौन से हकूक पूरे नहीं किए। रिजवान के मुस्तकबिल का सवाल है, वरना ये बात सुनते ही ना मैं घर छोड़कर चली जाती। और एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि दूसरी शादी की इजाजत तो मैं आपको नहीं देने वाली। अगर दोबारा आपने इस मौजू पर बात की ना, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर शौक से अपने हुकूक पूरे करवा लीजिएगा। मुझे तो लगता है उसने कुछ घोल कर पिला दिया सरफराज को। तुम फिक्र मत करो सईदा, अपा ना बहुत अच्छा काट करेंगी, वो चुड़ैल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो है वो यहाँ मेरे घर आ गई थी, यहाँ यहाँ बैठी थी, कब? और तुमने मुझे बताया नहीं। बस मैं तुम्हें क्या बताती,
उसको मैंने ना यहाँ बिठाया, उसको ठंडा पूछा, उसको बिस्किट्स खिलाए, मेरी सादगी तो देखो जरा। एक जगह मुझे शक जरूर हुआ था। सईदा आप अपने पिछले दरस में बोल रही थी कि हम अल्लाह वाले लोग बहुत सादा होते हैं। मुझे ले चलो ना सईदा आपा के पास। हाँ ले चलूंगी, पर सिफारिश करनी पड़ेगी। तुम पिछले दरस में नहीं गई ना, देखा क्या हाल हो गया। कैसे सामना करूंगी उनका, कितनी शर्मिंदगी होगी मुझे। तुम फिक्र मत करो कि अल्लाह वाले लोग जो होते हैं ना, इनसे कुछ नहीं छुपता। इनके दरस में जाने से काफी सारी बलाएं तो ऐसी दूर हो जाती हैं। तुम फिक्र मत करो, सब सही हो जाएगा। आने हैं घर पे? तुमने अभी से टेंशन देनी शुरू कर दी है। मजाक कर रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। अच्छा वो कदीर साहब की तरफ जाना है वो मत भूल। हाँ हाँ अल्लाह तू नहीं। शकीला मुझे हालात में बेहतरी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। सईदा साहिबा ने जो दम करके चीजें दी थी वो तुमने इस्तेमाल तो की ना? सारी दम वाली चीजें खत्म हो गई हैं, चीनी पानी नमक सब कुछ, मगर सरफराज की दूसरी शादी के जुनून के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुमने सरफराज भाई के घर वालों से बात की? और अपने अम्मी अब्बू से? हाँ की है, मगर कोई क्या कह सकता है उनको, 10 साल के बच्चे के बाप हैं वो। मुझे तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा अमल किया गया है सरफराज भाई पर। शायद अमल तो अब होने वाला है, और मैं उसे रोक भी नहीं सकती। मायूसी की बातें मत करो सोफिया। शकीला मुझे तो अब लगता है कि मैं इस घर में रह ही नहीं सकती। तुम यहाँ नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? अम्मी के घर पर? तुम दोबारा उस छोटे से शहर में एडजस्ट कर लोगी? रिजवान की तालीम और? नहीं अम्मी के घर तो नहीं जाऊंगी, मगर इस शहर में कहीं ना कहीं तो रह ही लूंगी, कुछ ना कुछ कर लूंगी मैं। अच्छा चलो मैं रखती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गया? बंद करो इसको। आप भी देख रहे बैठे हुए, चलो यहाँ से, शक्ल नहीं दिखाना मुझे अपनी। तबा, ये तो कयामत की निशानी है। क्या हो गया तुम्हें सोफिया? बच्चा है वो, तुम तो ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे तुम कभी छोटी थी नहीं। जैसा बोएंगे ना वैसा ही काटेंगे। वैसा ही काट रहा हूँ मैं तुम्हारी शक्ल। मेरी शक्ल अगर इतनी बुरी लगती है ना आपको, तो आज के बाद मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। पहले तो बात सिर्फ मेरी थी, शायद मैं सारी आपकी नाइंसाफी सह लेती, मगर अब बात रिजवान और उसके मुस्तकबिल की है। देखो तुम बात को गलत रंग दे रही हो इस वक्त। हकीकत यह है कि तुम उसे वो बनाना चाह रही हो जो मैं नहीं चाहता। हाँ तो ठीक है ना, बात फिर सीधी है बिल्कुल। आप और मैं दो अलग इंसान हैं, दो अलग लोग हैं। 11 साल गुजर गए ना, पूरी जिंदगी के सामने कुछ भी नहीं होते 11 साल। और आप तो फैसला ले चुके हैं ना, मैं भी फैसला ले लूंगी। मैं फैसला ले चुकी हूँ। देखो सोफिया, दीन और दुनिया की खूबसूरती तवाज़न में है, कायनात की खूबसूरती तवाज़न में है, तवाज़न शऊर है। शऊर? कोई शऊर और कुछ नहीं, ये कोई बात है? जब मर्जी हो जो आए बोल दो, जो आए कर लो। क्या